ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਕਰੀਏ कि जेकर तुसीं दूसरां दे बच्चां दा भविख खराब कर दिओ नशियां ते उहनां नूं ला के उहनां दीआं जिंदगियां खराब कर दिओ तां असीं चाहुंदे आ कि इह चीज़ तुहाडे बच्चे भी जो साडे कोले पढ़दे ने जां तुसीं स्कूलां च उहनां नूं लै के जांदे हो जे तुसीं दूसरां दा भविख खराब कर दिओ तां असीं तुहाडे ते भी सख्त कदम है जो असीं लै सकदे आ तुहाडे बारे च ते तुसीं नशे बेचने बंद करो अदरवाइज़ तुहाडे बच्चां नूं तुहाडीआं इह जो कम ने गंदे कम ने समाज नूं माड़ा करन वाले कम ने उन्हों का खमियाजा तो बच्चों को भुगतना पड़ेगा इसलिए असं सारे स्कूल एकजुट हाँ यह फैसला असं अज लिया कि असं उन्होंने विरोध के डट के खड़ांगे सो संदर्भ में इसे फैसला इस तरह लिया कि जिदा भी कोई पेरेंट्स किसी बच्चे का नशे बेचता होगा उन्होंने 15 दिन का नोटिस दिता जाऊ 15 दिन के नोटिस के बाद जो नशे वगैरह बेचने तो हट रहे तो उस बच्चे का ना कटता जाऊगा परंतु मैं फिर भी उन्होंने ये कहा कि इस दोबारा रिव्यू किया जाए कि यह फैसला असल बच्चों का कोई कसूर नहीं जे किसी के पेरेंट्स कोई नशा बेचते हैं तो वह बहुत बड़ा अपराध कर रहे उन्होंने जी सज़ा देनी पंजाब पुलिस का जो फर्ज बनता सरकार का फर्ज बनता है तो जे किसी पिता की जी सज़ा बच्चे नहीं दी जा सकती तो बच्चे का ना किसी हालत नहीं कटना चाहिए सो इस संबंधी उन्होंने भरोसा दिता प्राइवेट स्कूल वाले वालों अध्यापक लिया गया जिला सिक्ख्या अफसर फैसले गलत दसिया गया है जिसन लैके उन्होंने कहना है कि बच्चों के जो भविख उस खिलवाड़ किया जा रहा है दूजे पासे स्कूल अध्यापक का बयान सामने है कि जिहड़ा बच्चे का पिता नशा वेचदा होया फड़िया गया जिहड़ा उसके बच्चा है उसका नाम कट दिता जाएगा तो जिसनों लैके जिला सिक्ख्या मंत्री ने इस फैसले नूं गलत दस्या है।